बतासा चाचा का इधर ढाबा है और इसके नीचे छपे हुए दिनेश सिंह जी हैं जो इस ढाबे के मालिक हैं। ऊपर बतासा चाचा हैं। बतासा चाचा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। अपने अभिनय की वजह से, अपने कलाकारी की वजह से वो बहुत ही विकसित हैं और विख्यात हैं। बतासा चाचा का इधर ढाबा है और शाहगंज से जौनपुर के लिए रोड जाता है। इस रोड पर 2-3-4 ट्रक है, कार है। अचानक से नजर पड़ी कि बतासा चाचा का ढाबा है, तो मैंने सोचा भैया बतासा चाचा के ढाबा पर चला जाए और आज मैं बतासा चाचा से बात नहीं करूंगा। बतासा चाचा नहीं है, ये बतासा चाचा के छोटे भाई हैं। लेकिन इनको देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि उनके छोटे भाई हैं, बल्कि कहेंगे कि यही बतासा चाचा है। एकदम हूबहू शकल, बिल्कुल शकल मिलती जुलती है आपकी। जी भैया। बतासा चाचा आपके कौन है? बड़े भाई। बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं। जी। तो आप ढाबे पर आप ही रहते हैं? जी, हम ही देखते हैं सब। बतासा चाचा कहाँ मिलेंगे आजकल? इस समय तो लखनऊ में चल रही शूटिंग, वहीं पे। अच्छा, शूटिंग है। तो आते जाते रहते हैं गांव? अक्सर। गांव से काफी प्रेम है उनको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रेम है ना पूरा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल था। बतासा चाचा आज इस दौड़ भाग जिंदगी में तमाम पीछे दरकिनार करते हुए, तमाम परिस्थितियों को पीछे करते हुए आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक माना जाना नाम है, कैसे रहा सफर उनका ये? बहुत स्ट्रगल रहा। पहले तो उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है, 12-13 साल तो काफ़ी स्ट्रगल किए हैं जी। फिर धीरे धीरे जो भी किए हैं वो अपने ही दम पे किए हैं। कोई उनका वो नहीं था कि कोई गॉडफादर नहीं था। कोई ये नहीं था कि मतलब कोई उनका बैकअप था। जो भी हैं आज जिस मुकाम पे हैं अपने दम पे हैं, अपना पहचान वो खुद मेंटेन किए, अपने पहचान के दम पर है और अपना पहचान खुद मेंटेन किए हैं। अच्छा, मनोज सिंह उर्फ टाइगर, बतासा चाचा कैसे नाम पड़ गया? बतासा चाचा एक्चुअली उनका निरहुआ रिक्शा वाला पिक्चर में उनका टाइटल नेम था और उसमें उनको बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला था, तो उसी वजह से उनका बतासा चाचा भोजपुरी में निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहू जी जो है वो अभिनय किए हुए थे, मुख्य भूमिका में थे, उसमें कॉमेडियन में थे, तो वहाँ बतासा चाचा थे। बस उसमें उनका बतासा लाल चाचा का किरदार था, तो उसी वजह से उसमें बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला, फिर वहीं से अपना बतासा चाचा इनका टाइटल नेम टाइटल हो गया। मनोज सिंह टाइगर बन गए बतासा चाचा। आजमगढ़ की धरती का लाल भोजपुरी इंडस्ट्री में कर रहा है कमाल और नाम कमा रहे हैं। बतासा चाचा का ढाबा है और सुरक्षित और शुद्ध खाना मिलता है यहाँ पर, और इसके बाद साफ सुथरा जो है ढाबा है। जी जी, बड़ा मेंटेन करके रखे। कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा दें। हाँ, लोग आते हैं, लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं, गाड़ी वाले, ट्रक वाले और छोटी गाड़िया वाले सब आते हैं। क्या मतलब, जो यहाँ पर ऐसा सुनने में आया कि बतासा चाचा कुछ चीजें अपने हाथ से उगाते हैं, फल सब्जी जो है वो यहीं पर बनता है? भाई खेती शौकीन है वो। खेती शौकीन है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी लगाव उनका काफी है। हाँ, और आते हैं। हाँ, तो जो खेती करके जाते हैं वो आप तोड़ के सब्जी भाजी खिला देते हैं, ढाबे में यूज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बतासा चाचा डॉक्टर ने हमारी सब्जी लगा दी? हाँ बिल्कुल, उनकी सब्जी यही प्रयोग हो जाती है, मतलब उनकी सब्जी जो वो उगाते हैं ढाबे में लग जाती है, घर पे खाते हैं, यहाँ पे आ जाता है। बतासा चाचा को देखे हो भैया? हाँ भैया। कौन है आप उनके? हम यहाँ पे, मेरा दुकान है, मैं काम करने वाला। अच्छा, तो उनको यहाँ ढाबा वाबा पे आते हैं कभी कभी? हाँ कभी कभी आते हैं। मुँह से बोलते बोलते या बड़े हाथ की तरह नहीं बोलते हैं? नहीं, उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे हम लोग मिलते हैं उस तरह से मिलते हैं सब। आप इतने, अगर कहा जाए तो आप मध्यम वर्ग से नहीं है, उच्च वर्ग से है, और कहा जाए तो आप भी ढाबे में जो है वर्करों के साथ आप भी खाना वाना बनाने लगते हैं, परोसने लगते हैं? भाई अपना बिजनेस है, उसमें कोई शर्म नहीं है। हाँ, करना है। हाँ, देखते हैं, लग जाते हैं, जो होता है अपना कर लेते हैं। हाँ, कई लोग आ जाते होंगे, कहते होंगे अब बतासा चाचा आप ये झूठ बोल रहे हैं ना? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई बतासा चाचा आप हैं, बताना पड़ता? नहीं भाई, वो थोड़ा नाटे हैं, हम थोड़ा लंबे हैं। बहुत लोग आते होंगे, कहते बतासा चाचा यही है। अच्छा, रतिया में हम भी कंफ्यूज हो गए, अरे बतासा चाचा तो इतने साफ सुथरा एरिया में बैठे हैं और हम बतासा चाचा को ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं हूबहू शकल है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग खाना खा रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं कि बतासा चाचा को जानते हैं और खाना में क्या बना है, कैसा लग रहा है इनको खाना। देखिए, क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम अमरनाथ है। ट्रक चलाते हैं जी। खाना कैसा है? अच्छा है खाना। अच्छा, शुद्ध बढ़िया देसी खाना है? हाँ शुद्ध खाना है, शाकाहारी बढ़िया है। बतासा चाचा को जानते हो? हाँ करीब 5-6 साल से हम लोग इस रोड पे चल रहे हैं, तब से जानते हैं उनको। देखे हो कभी? हाँ नहीं देखे तो नहीं है, कभी एक बार आए थे तो मुलाकात हुई थी, और 10-5 मिनट के बाद उसके बाद चले गए। भोजन अच्छा बना है? हाँ जी भोजन अच्छा है, पेट भर जाएगा।
स्वाद से, मतलब स्वाद से आपको भी भोजन अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या ऑर्डर किए हैं? सादा भोजन है, पूरी थाली सिस्टम, इसमें साग भी है, दाल भी है, सब्जी है। जूम करके दिखाइए थाली पर, बहुत बढ़िया खाना यहाँ पर मिलता है। और कभी आई देखिए, साग वगैरह ये सब फेवर देसी खाना है। हाँ, ये पालक की है, ये मटर आलू और दाल है, रोटी है, प्याज है, सलाद है, तो कहीं ना कहीं खाना अच्छा बना है। रात में मैं भी यही खाया था, खाना लाजवाब था और बढ़िया खाना था। बतासा चाचा का ढाबा सुर्खियां बटोरता है, बतासा चाचा भी आजकल सोशल मीडिया पर जब से आ गए हैं तब से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमको मिले नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम हुआ? नहीं बोलोगे? आदित्य कुमार यादव। वाह, क्या बनाते हो आदित्य? तंदूर। तंदूर अच्छा बना लेते हो, पसंद आ जाता है सबको। वाह वाह, ये चाचा है, बहुत मेहनत करते हैं। चाचा इधर आओ थोड़ा। चाचा क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ हमारा? हमारा बहादुर। बहादुर, बहादुर चाचा ये बताओ, बतासा चाचा को देखे हो कभी? बिल्कुल देखे हैं। आते हैं यहाँ पे? आते हैं। हाँ, और कैसे लगते हैं बतासा चाचा? बहुत बढ़िया। वो तो बड़का बड़का टीवी उबी में आते हैं, पता लगता है आपको? हाँ, टीवी में भी देखते हैं हम। टीवी में भी देखे हो? यहाँ भी आ जाते हैं। सच में? सच में। वाह वाह वाह, तो आपका क्या रोल है यहाँ पर? दूध दूध आप ही निकालते हो? हम यहाँ पे सर्विस करते हैं, खाना खिलाते हैं। खाना खिलाते हो? हाँ जी। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत। क्या बनाते हो इंद्रजीत? मटर पनीर, शाही पनीर, दाल फ्राई और मिक्स वेज। अंडिया कढ़ी। वाह वाह, बता जानते हो कौन है? हमारे भाई है। तो मिले उले हो कभी? बहुत बार मिले हैं। अच्छा, तो कब आए थे आखिरी बार बता सकता? आखिरी बार वही आए थे मेरे ख्याल शिवरात्रि उठवा नवरात्रम से पहले पहले। अभी कितना दिन पहले आए हुए थे? अरे काफी दिन हो गया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ? ज्यादा दिन नहीं। ढाबा पे? घर पे। घर पे आए? घर पे आते पता चल जाता है। हाँ, घर पे पहले ही आते, ढाबे पे आते हैं। तो वीडियो में कह रहे थे हम घर पे आ गए, अब घर पे ही रहेंगे? नहीं, घर पे नहीं है, मतलब वही है, लखनऊ में शूटिंग हो रही है। वाह, तो खाना तो काफी स्वादिष्ट बनाते हो तुम। हाँ, सबको पसंद आ जाता है? सबको पसंद आ जाता है। बतासा चाचा को भी कभी बना खिलाया? बहुत बार खाए है। सच में? वाह, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल फ्राई। वो हीरो भी लोग कोई बार आते हैं, वो भी बना, उनको मटर पनीर बना खिलाया हूँ। हीरो भी आ जाते हैं? खिला, हीरो आए हैं। वो है पतन कौन ही भोजपुरी में है कोई, उसका नाम मुसलमान है, वो भी आया था हमारे पास। मटर पनीर, शाही पनीर खाया था। अच्छा लगा था? तारीफ किए थे? बहुत बढ़िया तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, देखिए यहाँ पर हीरो वगैरह भी आते हैं। मित्रों, इस वक्त मैं बतासा चाचा के ढाबा पे था, चार पांच लोग काम कर रहे हैं। उनके भाई साहब ने बताया कि मनोज सिंह टाइगर कैसे बन गए बतासा चाचा। यहाँ पर मैं मौजूद था, इधर ढाबा है, सब उत्तम व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ पर, देखिए मोछ वाले चाचा जो हैं उनके भाई हैं, ऊपर चश्मा वाले चाचा मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा है।